अखिलेश को इस इलेक्शन में औकात बता देंगे अगर उन्होंने हिस्सेदारी की बात नहीं पूरी की। अखिलेश को इस इलेक्शन में औकात बता देंगे अगर उन्होंने हिस्सेदारी की बात नहीं पूरी की। लिए पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या संदेश दिया है आपने? देखो बहसियत मुसलमान, हमारे पर यह फ़र्ज़ है कि हमारा कोई पड़ोसी अगर परेशान हाल है तो उसकी हमें परेशानी पूरी ज़िंदगी उसकी हेल्प करनी है। तो हमने अपने जो हमारे जौनपुर के आतिफ साहब पदाधिकारी हैं, ज़िला महासचिव हैं, शायद ज़िला यूथ विंग के ज़िला अध्यक्ष हैं, कि अपने पड़ोसी का पूरी ज़िंदगी ख्याल रखिए और जहाँ भी कोई ज़रूरत है जिस तरह की उनके काम आई है, जहाँ अगर आप हेल्पलेस महसूस करें वहाँ हम लोग को बताएं, हम लोग हर पूरी मदद उनकी करेंगे। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी ने उनकी जो फौरन मदद कर सकते थे पार्टी की तरफ से उन्होंने किया है और आइंदा भी हम लोग करते रहेंगे। वो एक दिन के लिए नहीं या दिखावे के लिए, पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे। हम लोग कोशिश ये है कि उनसे, हमने उनकी बच्ची एक रह गई है, उन लोगों की मांग ये है कि हमारी बच्ची को अगर कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम लोग का पालन पोषण हमारी बच्ची के जरिए हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी हमने शिक्षा योग्यता का सर्टिफिकेट वगैरह मांगा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में मिल करके इस पर चर्चा की जाए, अगर मुमकिन होगा तो दिलवाने की कोशिश करेंगे। एक देश एक कानून की बात होती है, बिहार में शराब बंद है, तो क्या लगता है पूरे देश में शराब बंद होना चाहिए? देखिए शराबी ने हर वो बुराई जिससे समाज में घृणा पैदा होता हो और लोग अपना आपा खो जाए, नफरत पैदा हो जाए, उसको पी करके आदमी अपने आप में ना हो, ऐसी तमाम चीज़ें, आप सिर्फ शराब की बात कर रहे हैं, मिंडेक्स गोली है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इससे चल रही हैं, आपके जो स्मैक्स है, न जाने कितने नशे की चीज़ें, कोकीन है, अफीम है, चरस है, गाजा है, न जाने क्या क्या है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं उसको हमारी सरकार या उनकी जो इंतज़ामिया है या उनकी जो पुलिस है वो उनको ना पकड़ करके, उनसे तो हफ्ता वसूलती है, और जो मासूम लोग होते हैं उनको उठा कर उस पर चालान करा करके उनको परेशान करती है। तो हम ये समझते हैं कि नशा भी किसी तरह का भी हो, देश हित और जनहित में यह कि उस पर बैन लगा दिया जाए हमेशा के लिए। जीरो टॉलरेंस पे की बात करने वाली योगी सरकार के लाइन ऑर्डर को किस नज़र से देखें? देखिए हम योगी सरकार या अखिलेश की सरकार, मैं तमाम सरकारों को जनहित में कोई काम करते देखता ही नहीं, कम से कम मेरी उम्र 50 साल से मैं नहीं देखा। सरकारें अब बनती हैं, लाइन ऑर्डर को किस नज़र से देखा जाए, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। किसी के पास कोई ला है ना आर्डर है, सब मनमानी चल रही है। तो मनमानी जब चलेगी तो उसमें लॉ एंड आर्डर नहीं रहेगा। आप कहीं किसी को इजाज़त दे देंगे तुम जो चाहो करो, गुस्सा पैदा करेंगे उनके अंदर, नफरत पैदा करेंगे, घृणा पैदा करेंगे। जब ये होगा तो अगर जंगल का शेर वो जंगल में जानवरों का शिकार करता है, लेकिन जब वो शहर में आ जाता है और यहाँ उसको आदमी मिल जाते हैं, उसको आदमखोर कहते हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल में नफरत का बाजार गर्म है, जब नफरत लोगों में समा जाएगी तो फिर अपना और गैर नहीं देखेगा। तो हमारा अपना कहना है कि ये सारी चीज़ें उसी वक्त मोतकती जब तक नफरत करना सिखाना बंद करना होगा, मोहब्बत से रहने की बात करनी होगी। मौलाना साहब, आरयूसी हमेशा कहा जाती है कि जो आरयूसी है आंदोलन की जनक पार्टी कहा जाती है, भाजपा की ये दूसरा सेशन है, जो दूसरा टर्न है, यहाँ पर योगी सरकार दूसरी टर्न पे काम कर रही है, क्या आपने माइनॉरिटी को लेकर या SC ST का कास्ट को लेकर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसको लेकर का आंदोलन आप कर रहे हैं? बहुत सी चीज़ों में हम लोगों ने, जहाँ हमारे पास जो चीज़ें आ जाती है उस पर जो भी तरीका होता है कार्रवाई का, और कार्रवाई करवाते हैं, सिर्फ कहते नहीं। हम लोग बहुत से लोगों को हमने जेल भिजवाया है जो इस तरह की हरकत करते हैं। जो किसी को पीड़ित परिवार अगर हमारे पास आ जाता, अगर कोई नहीं आएगा तो हम उसके घर जाके ज़बरदस्ती तो करवाएंगे नहीं। वो लड़ने को तैयार होगा तो हम उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, उसके पास पैसा नहीं होगा तो वकील करके देंगे, कानूनी तमाम उसकी बाधाएं दूर करेंगे जो उसके अड़चन आ रही हैं। तो अगर कोई परिवार ऐसा आपके पास हो, वो कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई भी अगड़ा पिछड़ा छोटा बड़ा, जिसको जितनी जात बिरादरी है, मज़हब, सबसे ऊपर उठ करके कोई ऐसा परिवार हो आप बताइए, हम उसके साथ खड़े हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को आप कैसे, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर एक माइनॉरिटी रहता है और अदर माइनॉरिटी रहता है, वहाँ पर बुलडोजर चलता है, इसके साथ आप क्या देखते हैं? नहीं, ये मैं उसको यूँ नहीं कहूँगा, बुलडोजर किसी भी उसका हल नहीं है। ये जो एक नई
नया चलन है, मैं इसका मुखालिफ हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। भी मोहब्बत नफरत की बात आपने किया कि नफरत का खात्मा मोहब्बत से होगा, मोहब्बत की दुकान एक साथ लगाए थे और अभी हालिया नतीजा सामने है कि मोहब्बत की दुकान फ्लॉप हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने मोहब्बत की दुकान नहीं लगाई थी, आपने जब लफ्ज़ दुकान कह दिया तो उन्होंने उस दुकान में ग्राहक तलाश करने की कोशिश की थी। नहीं, ऐसा लोगों का कहना नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आपने जो कहा उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाई, दुकान लफ्ज़ ही इस बात की अलामत है कि दुकान में ग्राहक तलाश किया जाता है और ग्राहक लाने के लिए नए नए वादे किए जाते हैं। तो मैं जैसे छोटी सी बात करूं कि उन्होंने ऐलान किया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम हर महिला को 3,000 रुपया देंगे। शिवराज जी सुन रहा तो उन्होंने लाडली बहना करके सबके घर पहुँचा दिया, तो वो देते उन्होंने दे दिया, तो जिसने दे दिया उसको और मिल गया। तो आज मैं कह रहा हूँ कि जनता भी देश हित में नहीं सोचती, वो स्वयं हित में ही 2,000-4,000 रुपये में जो है वो तैयार हो जाती है कि हम अपना वोट किसी को भी दे दें। आगामी लोकसभा चुनाव में उलमा कौंसिल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? बाबू अभी तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर गठबंधन बने उसमें हम लोग को हिस्सेदारी मिले और एलाइंस की हैसियत से हम लोग उनके साथ मिल के लड़ें। हम लोगों ने पहले दिन से ये कह दिया था, जिस दिन से पार्टी बनी है, कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, जो हमारे अधिकारों की प्राप्ति में हमारे साथ खड़ा होगा वो हमारा दोस्त कहलाएगा। तो समाज, हमारा समाज, मुस्लिम समाज खास तौर से अब गुलामी करने को तैयार नहीं है, ताबेदारी को तैयार नहीं, वो हिस्सेदारी की बात करता है। तो अब जो भी हिस्सेदारी देगा हम उसके साथ जाएंगे। अगर ये दोनों जो एनडीए या इंडिया बनी हुई है, अगर इन लोगों ने हमें अपने साथ एलाइज की हैसियत से नहीं रखा तो हम एक तीसरा विकल्प बनाने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम इन दोनों को हराएंगे। बटला हाउस इनकाउंटर में आजमगढ़ के संजयपुर के दो मुस्लिम बेगुनाहों को जो मारा गया, उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी है, उलमा काउंसिल ने लड़ी, तो इस लड़ाई को अब आप कहाँ देखते हैं? देखिए, इस लड़ाई की एक छोटी सी बात बताएं कि आपकी लड़ाई अगर जेन्युइन और ईमानदारी पे है तो सरकार कोई भी उसको मजबूर होती है उसको करने पर। लखनऊ में इनकाउंटर हुआ, हम अभी तक बटला हाउस इनकाउंटर की जाँच नहीं करवा पाए। वहाँ पर दोनों सेकुलर सरकारें थीं। पहले कांग्रेस से हमने कोशिश की, बड़ी लड़ाई लड़ी, उनकी केंद्र में सरकार थी, शीला दीक्षित की दिल्ली में थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जांच नहीं करवाई। बाद में केजरीवाल ने वादा किया, दो वादे उन्होंने किए थे, एक 84 के दंगे के सिखों की और एक बटला हाउस इनकाउंटर की। 84 सिखों के दंगों के लिए तो उन्होंने एक आयोग बनाया और जाँच हुई, लेकिन हमारी जाँच के लिए उन्होंने फिर वो मुकर गए। तो हमें यह समझ में आता है कि जब तक इन लोगों को हम औकात इनकी नहीं बताएंगे, हम लोग एक होकर तब तक ये हमसे वादा खिलाफी करते रहेंगे। लेकिन मैं इस एतबार से योगी जी का शुक्रगुजार हूँ कि इनकी हुकूमत बनते ही अखिलेश ने जिस मुस्लिम का इनकाउंटर हिंदू बनने के चक्कर में किया था, वोट की पोलराइजेशन के लिए 7 मार्च 2017 को किया था कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्व का कार्ड खेला था, वो फेल हो गया और सरकार बदल गई। और सरकार बदलने के बाद योगी जी वजीर आला बने, उन्होंने हमारी जांच की बात को उन्होंने माना और एक हफ्ते के अंदर जांच का आर्डर दिया। जांच चल रही है, कब तक होती है, अगर जांच सही होगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमने जांच का आर्डर का भी स्वागत किया, जांच गलत होगी तो हम उसके खिलाफ रिविजन में जाएंगे और जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे। आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, जिस आजमगढ़ से आप आते हैं, उस आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी की सरकार न बनने के बावजूद 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी ने जीत ली, इसको आप कैसे देखते? ये आखिरी मर्तबा है, अखिलेश को इस इलेक्शन में औकात बता देंगे अगर उन्होंने हिस्सेदारी की बात नहीं पूरी की।